तो हेलो गाइस, मैं श्याम और आपका फिर से मेरे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको राग खमाज सिखाने वाला हूं। राग खमाज एक बहुत ही सुंदर राग है दोस्तों। इसका कुछ मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसके आरोह में ऋषभ वर्जित है, रे स्वर वर्जित है इसके आरोह में, और इसके अवरोह में सातों स्वर लग रहे हैं। और ये एक आश्चर्य राग है। आश्चर्य राग मतलब जो खुद के थाट में से सातों स्वर लेकर जो राग बनाओ और खुद के ही नाम पर बनाओ, वह आश्चर्य राग कहलाता है। तो दोस्तों, इसके आरोह में है 6 स्वर और इसके अवरोह में है 7 स्वर, तो इसकी जाती हुई 6.5 संपूर्ण। तो दोस्तों, इसका वादी स्वर ग है और इसका संवादी स्वर नी है। दोस्तों, एक बहुत ही चंचल प्रकृति का राग है। इसमें ठुमरी, बंदिशे और बहुत छोटे ख्याल, बड़े ख्याल बहुत से गाए गए हैं। तो दोस्तों, मैं इसके आपको आरोह अवरोह बताता हूँ। इसका आरोह, तो दोस्तों इसके आरोह में ऋषभ वर्जित है, तो मैं इसके पहले आपको आरोह बजा के कहता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका आरोह ऐसे है, सा ग म प ध नि सा। इसके अवरोह में नी कोमल लगता है, जब ये राग खमाज कहलाती है। इसके अवरोह में ये इसकी एक इम्पोर्टेंस है, इसके अवरोह में नी कोमल लगता है। तो जाते वक्त नी शुद्ध लेना है और आते वक्त नी कोमल लेना है। मैं फिर से आपको एक बार बता के देता हूं और फिर आपको बता देता हूं इसके स्वर। तो दोस्तों, इसके आरोह में 6 स्वर लगे और इसके अवरोह में 7 स्वर लगे। 7 स्वर में नी कोमल है। दोस्तों, इसकी पकड़ कुछ ऐसे है, मैं पहले आपको इसको बजा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसको बोल के स्वर बता दूंगा। अपने को मध्य सप्तक के नी से चालू करना है, कोमल नी से। ऐसे बजाना है, नी ध म प ध म ग प म ग रे सा। इसमें मैं आपको एक और इम्पोर्टेंस बताता हूँ कि अपनों को इस राग में, खमाज राग में जब चलन होता है, इस राग का चलन होता है, या कोई बंदी से गाई जाती है, कुछ बजता है, तो इसमें प पर, अवरोह में प पर ना जाकर ध से सीधा म पर जाया जाता है। ये इसकी एक और खासियत है, और ये खासियत बहुत ही अच्छी भी लगती है बजाते वक्त। तो आपको इसकी पकड़ मैं होप करता हूँ समझ आ गई होगी। फिर से बता देता हूँ, कोमल ली लेना है मध्य सप्तक का, नी ध म प ध म ग प म ग रे सा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।